नमस्कार, मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपके सामने फिर से छठवीं कक्षा का असाइनमेंट लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक है ऐसे ऐसे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोहन के पिता वैद्य जी को कितने रुपए दिए थे? जब मोहन के पेट में दर्द हो रहा था तो पड़ोसी वैद्य जी को बुलाए, पिताजी डॉक्टर को बुला लिए, सब अपने अपने तरीके से मोहन के लिए इलाज ढूंढने लगे। सो वैद्य जी जब आए, वैद्य जी ने मोहन को देखा और जो भी उनका अपना अनुभव है उसके अनुसार जब उन्होंने देखा और जब वापस चले गए, जब जाने लगे, तब उनको मोहन के पिता ने कितने रुपए दिए? 5 रुपए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ने मोहन के ऐसे ऐसे का क्या कारण बताया? वैद्य जी तो देखकर चले गए, अब डॉक्टर जब आए उन्होंने भी मोहन का चेकअप किया, अच्छे से देखा उसे। सो क्या बताया? कि उनको कब्ज और बदहजमी है, यानी उनको मोशन नहीं हो रहा है, बदहजमी, इनडाइजेशन हो रहा है ठीक से, या तो पानी की कमी है या खाना टाइम से नहीं खा रहा है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो डॉक्टर ने सब कुछ देखने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा? कब्ज और बदहजमी है। मोहन के पिता डॉक्टर जी को कितने रुपए दिए? वैद्य जी को तो वहाँ 5 रुपए दिए थे, यहाँ डॉक्टर को कितने रुपए दिए? 5 + 5 10 रुपए दिए। डॉक्टर ने किससे सेकने के लिए कहा? ये घरेलू इलाज है कि जब कोई भी दर्द होता है तो हम लोग सेक करते हैं, जैसे एक बॉटल में गर्म पानी भर दिया, या बैग भी मिलता है, मार्केट में भी मिलता है गर्म पानी का बैग, उसको भी हम रख लेते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक हमें आराम मिल जाता है। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि गर्म पानी की बॉटल से उसके पेट में सेक लगाओ, उससे काफ़ी उसको आराम मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, पड़ोसिन शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखो। पड़ोसिन, सो उसका मूल शब्द है पड़ोस और उसका प्रत्यय है इन। दोनों को जब हम जोड़ेंगे, पड़ोस और इन प्रत्यय को जोड़ेंगे तो पड़ोसिन। नए नए बुखार निकल आए हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द पहचानिए। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। सो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बता रहा है नए नए शब्द, ठीक है। सो वो विशेषण है जो संज्ञा के बारे में बताए, उसको डिस्क्राइब करें। दादा कल तो स्कूल जाना है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण पहचान कर लिखिए। क्रिया विशेषण क्या होता है? जैसे आपने विशेषण पढ़ा, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, वैसे क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया कैसे हो रहा है वो उसके बारे में, क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्रिया विशेषण क्या है? कल। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं, रेखांकित शब्द का समास विग्रह कीजिए। यहाँ पर खाना पीना रेखांकित है, सो रेखांकित शब्द का समास विग्रह, यानी समास को जोड़ा जाता है, समास को विग्रह किया जाता है, यानी इसको समस्त पद बनाया जाता है और उसको विग्रह किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम खाना पीना, ये कौन से समास का उदाहरण है? द्वंद समास का। सो अगर खाना पीना को हम विग्रह करेंगे तो खाना और पीना, यानी उसके बीच में जो योजक है उसको और है, यानी खाना और पीना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको है, जैसे दिन और रात, दिन रात, सुख दुख, सुख के बीच में भी योजक है, सुख और दुख, जैसे अंदर बाहर, अंदर और बाहर। सो ऐसे बहुत सारे शब्द है, ये सब इसी समास विग्रह का उदाहरण है। सो आज का असाइनमेंट यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।